बहनों व भाइयों, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। राज्य वित्त आयोग गठित होगा, जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी, योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा, लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियां मिटेंगी। लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। गांव की समृद्धि देश की गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है। राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जन प्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को। जो लोग चुनकर आए हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तन, मन, धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने क्षेत्र की खुशहाली तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। केंद्र सरकार पंचायतों के उत्थान के लिए पूरी तरह से सभी राज्यों को यथाशक्ति मदद देगी। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई ना हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों, विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की हैं, जो आरंभ भी हो चुकी हैं, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे, उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं।